एवरीवन वेलकम टू माय शो। और आज हम आपको माय शो में लेसन नंबर 4 में बताएंगे कि आप एचटीएमएल में एक हेडिंग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड हमने ओपन किया है और इसमें हम अपना जो एचटीएमएल का हेडिंग का जो कोड है वो लिखेंगे। इसमें हम लिखते हैं एचटीएमएल, यहाँ पे हम एचटीएमएल को क्लोज करते हैं। एचटीएमएल को यहाँ पे हम HTML को क्लोज करते हैं। HTML को क्लोज कर दिया हमने। अब इसको थोड़ा स्पेस देते हैं, स्पेस हमने दिया और फिर हमने एक हेडिंग का फाइल बनाया। देखिए हमने हेड बनाया, फिर हमने ये हेड बनाया और फिर हमने हेड को भी क्लोज कर दिया। ये देखिए हमने हेड को भी क्लोज कर दिया। अब जो है हम इसके हेड के अंदर हम इसका टाइटल देते हैं, टाइटल, और फिर हम टाइटल में इसका नेम देते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हम इसका नेम देते हैं और फिर हम टाइटल को भी क्लोज करते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा इतना काम था, हमने एक हेडिंग बनाई जिसका हेडिंग मतलब हम इसका नाम क्या लिखते हैं। इस फाइल का नाम हमने लिखा डॉक्यूमेंट, ये टाइटल मतलब इसका नाम जो हमने लिखा डॉक्यूमेंट टाइटल, और क्लोज किया। अब हेड हमने क्लोज कर दिया। अब हम लिखेंगे बॉडी इसकी, तो बॉडी में हम बॉडी लिखते हैं। यहाँ पे बॉडी हमने लिख दिया, सॉरी, अब हमने बॉडी लिख दिया। यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर दिया। अब हमने यहाँ पे बॉडी वाला टैग जो हमने ओपन किया उसको भी क्लोज करते हैं। ये देखिए हमने बॉडी को क्लोज कर दिया। अब हमारा मर्जी है हम बॉडी में जो भी लिखें हम बॉडी में लिखते हैं। जो हम बॉडी में लिखेंगे हमारा आउटपुट वही होगा। बॉडी में लिखते हैं H1 दिस इज हेडिंग और H1 को हम क्लोज कर देंगे। अब हमने HTML का एक फाइल बनाया, उसका नेम डॉक्यूमेंट लिखा है, ये देखिए आप, और बॉडी स्टार्ट किया। बॉडी में लिखा है दिस इज हेडिंग H1 के दिया है, मतलब जो H1 का मतलब है जो हमारा आउटपुट आए वो पहले लाइन में आए। तो हम अब इसे सेव करते हैं, इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे UTF-8 करते हैं और डेस्कटॉप में हम इसको सेव करते हैं। पैराग्राफ को हेडिंग हेडिंग डॉट HTML, अब इसको हम सेव करते हैं। जो हमारा डेस्कटॉप है वहाँ पे हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारा हेडिंग यहाँ पे आया, आपको नज़र आता होगा। तो अब हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है, उसे हम ठीक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे देते हैं, तो देखते हैं अब जो हेडिंग था वो नहीं आना चाहिए, ये गलती। देखिए दिस इज हेडिंग जो हमने लिखा है वो हमारा बॉडी में हमने जो आउटपुट इससे लेना था वो दिस इज हेडिंग का था। और ये देखिए हमारा आउटपुट में यही है दिस इज हेडिंग। तो ये देखिए जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारा नेम है, फाइल का नेम जो था डॉक्यूमेंट्स, आप इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं। हम इसका लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट डॉट वेब, आपकी समझने के लिए हमने क्रिकेट डॉट वेब लिखा है। कंट्रोल एस करते हैं, इसे सेव करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेंज होता है। ये देखिए जो हमने चेंजिंग की थी, ये देखिए क्रिकेट डॉट वेब, ये यहाँ पे चेंज हो गया। हमने बॉडी में लिखा है दिस इज हेडिंग H1, अब हम इसका H2 लिखते हैं। H2 का मतलब है जो H1 के बाद जो भी लाइन आए वो, ये देखते हैं हेडिंग H2, अब इसको क्लोज करते हैं, कंट्रोल एस, सेव करते हैं। ये देखिए हमारा जो आउटपुट था वो अब दो आए, ये जो पहला था वो बड़ा है और जो सेकंड है वो छोटा है। H1 का मतलब है कि सबसे पहला लाइन में आए और H2 का मतलब है कि पहले के बाद। आप समझ गए होंगे HTML का जो आप हेडिंग बना सकते हैं ऐसे ही बना सकते हैं, और फाइल का नेम आप ऐसे दे सकते हैं। ये देखिए HTML का स्टार्ट किया, यहाँ पे हेडिंग क्लोज कर दिया हमने, और ये बॉडी यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोस हैं वो आप आसानी से देख सकें। अगर दोस्तों आपने हमारा लेसन पहला 1, 2, 3 नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिए। थैंक यू।